10 Pro Plus को यहाँ पे टक्कर देने के लिए Redmi ने अपना Note 12 Pro Plus को लॉन्च कर दिया। अकेला तो नहीं हुआ है, तीन तीन वारिस आए हैं, मतलब Note 12 आया, Note 12 Pro आया, Note 12 Pro Plus आया। और भैया सबके प्राइसेस पहले उनके मुकाबले में यू बढ़ गए हैं। मतलब कहाँ जो नोट का बेसिक मॉडल था वो आता था 10-12 हजार में, प्रो मॉडल 15-16 हजार तक, और जो प्लस वाला था वो 20-22 हजार तक। अभी भैया ये प्राइसेस 16-18 हजार से लेके 30 हजार पे जा चुके हैं, गजब हो गया, गजब हो गया। वहीं भी अगर मैं रियलमी की बात करूं तो 9 प्रो प्लस भी अंडर 25,000 रुपीस था और 10 प्रो प्लस भी अभी 25,000 रुपीस के अंदर ही आता है, बट अपग्रेड करा गया है। रेडमी ने भी काफी अपग्रेड किया है, फोन काफी ज्यादा बढ़िया है अगर मैं बात करूं प्लस वेरिएंट की। बट ये वाला 25,000 में मिलता है, वो वाला 30,000 रुपए में मिलता है, यानी 5,000 का पूरा पूरा फर्क है। तो क्या आपको ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डालने चाहिए या फिर इसको साथ जाना चाहिए? बट भाई एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। तो देखो स्टार्ट करना चाहूंगा विद द डिजाइन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेडमी के फोन की तो यहाँ पे डेफिनेटली डिजाइन के मामले में बुरा नहीं है, बहुत तगड़ा है। तो ग्लास बैक मिल रही है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग दे देगी। बट यह बड़ा मोटा सा फोन है और बड़ा ही यार यहाँ पे हैवी भी है थोड़ा सा, और ये फोन थोड़ी सी बोरिंग डिजाइन के साथ आता है क्योंकि ये वाला डिजाइन और ऑलरेडी कितनी बार देख चुके हैं मार्केट में। इनका अपना ही K50i भी आता है सेम डिजाइन के साथ, और ये वाला डिजाइन हम और भी जगहों पे देख चुके हैं। बट बात करूं अगर मैं 10 Pro Plus की तो ये डिजाइन काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। देखो प्लास्टिक बैग के साथ आता है बट स्टिल अगर आप इसको देखोगे हाथ में लोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जब मैंने इसको हाथ में लिया था ये ग्लास वाली फीलिंग दे रहा था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी लुक्स की, बहुत ज्यादा क्लीन है, जैसे कि Redmi का फोन भी बहुत ज्यादा क्लीन है, बट स्टिल ये फ्रेश लुक्स के साथ आया है। इस सेगमेंट के अंदर ऐसा डिजाइन नहीं देखने को मिल रहा है, एकदम लुक्स जो है वो यूनिक है और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इसकी बैक बहुत ज्यादा प्यारी है, दो कलर्स में आता है, दोनों ही एकदम से यूनिक लगता है, तो डेफिनेटली लुक्स के मामले में मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस ये बहुत ज्यादा पतला है और ये बॉक्सी डिजाइन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा हल्का भी है भैया, डाइटिंग फुल ऑन करवाई गई है, जबकि दोनों में ऑलमोस्ट बराबर की बैटरी भी है यार। अब देखो मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता देता हूँ, मैं इसको सीधा सीधा डिजाइन के मामले में दोनों पसंद है, बट यहाँ पे ये ज्यादा प्रीमियम लुक्स देता है, ये ज्यादा स्टाइलिश लगता है एंड ये कुछ फ्रेश लुक्स देता है। अब मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा, बट डिस्प्ले के बीच में ही थोड़ा सा मैं डिजाइन फैक्टर भी ऐड करूंगा। देखो Redmi ने जो डिस्प्ले दी है ना वो फ्लैट डिस्प्ले है, कोई कर्व वर्व नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का एक OLED पैनल है जो कि काफी ज्यादा शानदार पैनल है। अब यहाँ पे मैं कहूंगा बेजल्स बहुत ज्यादा कम है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको डिस्प्ले का बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि HDR10+ मिलता है, यहाँ पे Dolby Vision मिलता है जो कि Netflix पे आप आराम से देख सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा, और 900 nits की ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा कम नहीं कहूंगा, आउटडोर विजिबिलिटी काफी डिसेंट रहेगी। बट बात करें ये वाले फोन की 10 Pro Plus की, तो इन्होंने मार्केट में कुछ नया करा है। 25,000 के प्राइस के अंदर कोई कर्व डिस्प्ले नहीं दे रहा था, तो Realme ने यहाँ पे कर्व डिस्प्ले डाली है, और इससे सिर्फ डिस्प्ले नहीं एनहेंस होती, इसमें डिजाइन भी एनहेंस हो रहा है। डेफिनेटली यार जो पीछे से कर्व्ड है, आगे से कर्व्ड है, ओल्ड बहुत ज्यादा शानदार हो रहा है, एंड इवन यहाँ पे डिस्प्ले को देखना ही बहुत ज्यादा मजा आता है। प्लस इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो दोनों में आपको कॉन्टेंट वॉचिंग बहुत अच्छी मिलेगी। बट जब कर्व्ड की बात आती है ना, जब हम कुछ स्क्रोल रोल करते हैं तो कर्व्ड के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको डाउट है कि इस फोन में मिस टचेस होंगे, बिल्कुल नहीं होते, और इसमें भी 120 हर्ट्ज की OLED है, इसके अंदर 950 nits है, मतलब 50 nits एक्स्ट्रा मिल रही है, पर उससे इतना बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा, पर दोनों में आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है। Redmi के पास एक चीज अच्छी है कि इन्होंने फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, पर इन्होंने वो चीज नहीं दी है, बट कहीं ना कहीं यहां पर डेफिनेटली मैं इसको पिक करूंगा। जब नया फोन ले रहा हूं ना किसी भी कैटेगरी में, अगर मेरे को कोई यूनिक चीज मिल रही है मैं डेफिनेटली उसको ज्यादा पसंद करूंगा, और ये बहुत ज्यादा यूनिक लगता है भाई। देखो आपको शायद लग रहा होगा मुझे ब्रांड ने पैसे दिए हैं या स्पॉन्सर करी है वीडियो, इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूं या फिर मैं मक्खन लगा रहा हूं या क्या है, पर देखो मुझे पता है ना ही मेरे को कोई पैसे मिले ना ही ये वीडियो कोई स्पॉन्सर हुई है, और मेरे को ये पर्सनली फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आया है। और देखो आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं यही चाहूंगा आपको एक बेटर चीज मिले, एक ऐसी चीज मिले जहां पे आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही हो, तो डेफिनेटली अगर आप ये वाला फोन परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना वो मिलेंगी। एंड हमेशा मैं यही ट्राई करूंगा, मैं अनबायस्ड हूं, तो मैं दोनों की चीजें अच्छी बता रहा हूं और दोनों की चीजें बुरी जो है वो भी बता रहा हूं। एक और चीज का फायदा बताता हूं जो कि Redmi के फोन के साथ मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ सर्टिफाई नहीं किया है Realme ने, बट Redmi बताता है कि उनके पास IP54 है। ये Realme 10 Pro Plus में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, बट हाँ नोट में बता दिया।
चलो अब दोनों में एक सिमिलरिटी बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी वाली है। दोनों ही फोन्स मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1080 के ऊपर चल रहे हैं। दोनों में 5000 का फर्क है बट दोनों ही एक ही हार्डवेयर दे रहे हैं, डायमेंसिटी 1080, LPDDR4X और UFS 2.2। बट एक चीज का मैं बता दूं, आज तक मैंने जितने Xiaomi के फोन्स यूज किए हैं, रैम मैनेजमेंट अच्छी होती है बट स्टिल अग्रेसिव है काफी ज्यादा। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इसकी रैम मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी है। अगर मैं इसको रात को भी कोई एप्लीकेशन चला के रख देता हूं, सुबह वहीं पे खुल जाता है। और दोनों में अगर मैं बात करूं, गेमिंग भी एक जैसी होने वाली है, दोनों में जनरल टास्क भी एक जैसे होने वाले हैं। और मेरे को इसमें गेमिंग को काफी मजा आ जाता है क्योंकि ये जो कर्व डिस्प्ले है ना, इसके ऊपर गेम करना और ज्यादा मजा आता है। ऊपर से इसकी चिन भी बहुत पतली है रेडमी के मुकाबले में, ऊपर की जो ये माथा है वो भी पतला है, तो ओवरऑल गेमिंग करने का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस मैंने जितनी रिपोर्ट देखी है रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस में, हैप्टिक्स जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा क्रिस्प नहीं है। इस फोन के हैप्टिक्स आपको प्यार हो जाएगा, मतलब जब आप टेक्स्टिंग करते हो या फिर आप गेम खेल रहे हो, जो वाइब्रेशंस आती है वो बहुत ज्यादा मक्खन आती है। नाउ एक और चीज का फर्क बता दूं, दोनों अपनी कस्टम स्किन जो है वो लेटेस्ट दे रहे हैं। रियलमी यूआई 4.0 है, अगर मैं बात करूं Xiaomi की तो वहां पर आपको MIUI 13 देखने को मिल रहा है। बट भाई ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ आया है और आपको दो मेजर अपडेट देगा। और अगर मैं बात करूं Xiaomi की तो वो एंड्रॉइड 12 दे रहा है और दो मेजर अपडेट देगा, तो भाई वो तो एंड्रॉइड 14 के ऊपर सीमित है, एकदम से वहीं पर निपट जाएगा। यही अगर मैं बात करूं इस फोन की तो ये एंड्रॉइड 15 तक जाने वाला है, जिसका मतलब है कि आपको अपडेट भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इन्होंने सॉफ्टवेयर में भी काफी अच्छा काम किया है। नाउ एक चीज, MIUI आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा क्लीन सा है, ब्लॉटवेयर पहले से कम हुआ है। ब्लॉटवेयर है अभी भी दोनों फोन में बट कम हुआ है थोड़ा सा, इसमें काफी ज्यादा था। बट एक्चुअली मैं अगर एक बात करूं, MIUI ने एड्स भी बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं, बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा जीरो कर दिए हैं बट बहुत कम कर दिए हैं। बट इस फोन के ऊपर मैं बात करूं, पहले एड और रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा आ रही थी, फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट डाली यूजर्स ने, यूट्यूबर्स ने, और इन्होंने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के बाद ये फोन बहुत बेटर हो चुका है, मतलब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस 25,000 में। आपको इससे अच्छी मतलब स्मूथ डिस्प्ले है, स्मूथ स्क्रोलिंग है, बग्स नहीं है कोई मेजर। एंड प्लस यहां पर जितनी भी रिकमेंडेशंस या हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स की प्रॉब्लम थी वो भी जा चुकी है, कोई वल्गर रिकमेंडेशंस नहीं आती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसका भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तगड़ा हो चुका है। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, मैंने MIUI 13 के फोन्स यूज करे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। बट स्टिल अगर मैं जब भी आज तक हर बार मैंने बोला है कि स्टिल मैं कहूंगा Realme की UI थोड़ी सी ज्यादा पॉलिश लगती है क्योंकि ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड भी है, मजा आता है। देखो अभी तक आपको पूरी वीडियो में ऐसा लग रहा होगा मैं Realme को सपोर्ट कर रहा हूं, बट डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा, मैं जितने पॉजिटिव पॉइंट Redmi के वो भी बता रहा हूं यार, वो चीजें इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो डिसाइड आपको खुद से करना है, ठीक है? आपको शायद Xiaomi का फोन बेटर लग रहा होगा, एंड मैं बुरा भी नहीं बोल रहा हूं, Redmi का काफी अच्छा है, बट इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखी गई। नाउ नेक्स्ट चीज के अगर मैं बारे में बात करूं तो कैमरा डिपार्टमेंट, मैं हैंड्स डाउन कह सकता हूं यहां पे Redmi ने बेटर काम किया है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा OIS लगा के दिया है, बट इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा, दोनों में Samsung सेंसर लगे हुए हैं, बट 200 मेगापिक्सल वाला थोड़ा सा एडवांस्ड सेंसर है। प्लस Redmi ने जो ऑप्टिमाइज किया है, जितनी मैंने रिपोर्ट्स देखी है, उसका कैमरा काफी ज्यादा बेटर है इस वाले से, मतलब इसका बुरा नहीं है। मैंने इससे जितनी भी शॉट्स लिए ना 25,000 के अंदर, आप ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, 80% इसके शॉट्स परफेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी HDR में गड़बड़ी कर देता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? वीडियो रिकॉर्डिंग में। वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, एंड UI जिटर करती है थोड़ी सी, बट Redmi का थोड़ा सा अच्छा है स्टेबलाइजेशन, एंड थोड़ा सा यहां पे मैं कहूंगा फोटोज भी बेटर आती हैं डेफिनेटली। तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो बेटर काम कर रहा है इससे। Realme इसमें अगर एक दो अपडेट और देंगे अच्छे वाले कैमरा के ऊपर, और अच्छे से काम करके अपडेट दे दें, तो इसका कैमरा डेफिनेटली बढ़िया काम करेगा और भी ज्यादा। बट यहां पे अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि Redmi थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। देखो उसके थोड़े से अच्छे काम के लिए हमें 5,000 एक्स्ट्रा भी देने होंगे, वो चीज भी माइंड में रखना। बाकी दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर है, और इसका स्टीरियो स्पीकर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मैंने Redmi वाले का भी नहीं सुना है। तो दोनों में आपको वैसे स्टीरियो स्पीकर अच्छे ही होते हैं Redmi के भी, तो मजा ही आएगा। बट एक चीज में मेरे को शिकायत है, Redmi ने इतना प्राइस बढ़ा ही दिया है, अगर 30,000 रुपए पहुंच ही गए हो तो फिर तो साइड स्कैनर नहीं बनता था, अभी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आना चाहिए जो कि Realme 10 Pro Plus में काफी कमाल से काम करता था। देखो साइड स्कैनर तेज होगा जो मर्जी है, बट ये प्रीमियम फीलिंग देता है जो कि साइड स्कैनर कभी भी नहीं देता, तो ये प्रीमियमनेस तो 30,000 में बनती थी। बट एक और चीज,
बैटरी यार 5000 एमएच की बैटरी है दोनों में। आज तक जितने मैंने Redmi के फोन यूज किए एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है, बट इतना अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिल पाता है। कोई वही 6.5-7 घंटे मैक्सिमम का स्क्रीन ऑन टाइम रहता है, और उसमें थोड़ी सी बैटरी की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी एग्रेसिव रहती है। MIUI भी थोड़ा सा हैवी है ना, उसकी वजह से भी। बट अगर मैं बात करूं इस फोन की, भैया बैटरी खत्म ही नहीं होती। 8-8 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, मतलब 7.5 घंटे कहीं नहीं जाते, मतलब 8 घंटे तो आराम से मिल रहा है, 8 घंटे प्लस जा रही है। और भाई स्क्रीन ऑन टाइम ऐसा इस रेंज में आना वो तगड़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आपके पास फ़ोन में सारे फीचर्स है, सब कुछ आप कर रहे हो, उसके बाद ऐसी बैटरी चले ना वो मज़ा आ जाता है। ये बैटरी डिपार्टमेंट में ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बैटरी बैकअप इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है तो ये फ़ोन आपको बेटर यहाँ परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बट एक चीज और कहूंगा, अगर आपको चार्जिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो भाई देखो ये सपोर्ट करता है 67 वॉट को, काफी अच्छे से चार्ज कर देता है, फास्टली कर देता है। बट Xiaomi है 120 वॉट वाला, 120 वॉट का चार्जर दे रहा है, वहां पे ये इससे आधे टाइम में चार्ज करके देगा। तो अगर आपको चार्जिंग इंपॉर्टेंट है तो आप Redmi के साथ जाएं, अगर आप बैटरी इंपॉर्टेंट है तो आप इसके साथ जाएं। चलो कंक्लूजन खेले। देखो दोनों फोन अच्छे लगे मेरे को, Redmi का फोन बुरा नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। बट ओवरऑल अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं, दोनों में 5000 का फर्क है यार, छोटा मोटा फर्क नहीं होता। अब वो आपको 30000 में मिल रहा है, ये वो आपको 25000 में मिल रहा है, और 5000 में आपको क्या ही अपग्रेड मिल रहा है, थोड़ा सा कैमरा आपको बेटर मिल जाएगा Redmi में, प्लस यहां पर आपको जो 120 वॉट का चार्जर मिल रहा है वो चीज। बट एक चीज की अगर आप 5000 रुपए बचाते हो तो एक अच्छा कैमरा फिर भी है, बुरा नहीं है। उसके बाद आपको ये प्रीमियम लुक जो मिल रही है ना, और ये कर्व डिस्प्ले मिल रही है, वो कहीं पर नहीं मिल रही। मैं एक बात बोलूंगा, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अगर हम देखते हैं ना इस रेंज में, तो वो Realme 10 Pro Plus है, ना कि वो वाला फोन। अगर आपको Note सीरीज में कोई फोन अगर मैं बात करूं तो वो मेरे को Redmi Note 12 Pro लगता है, बट स्टिल उससे कहीं गुना बेटर मेरे को ये फोन लगता है। और अगर आप जा रहे हो 30000 की प्राइस कैटेगरी में, Nothing Phone 1, iQOO Neo 6, Poco F4, Realme GT Neo 3T, इवन की आजकल तो iQOO 9 SE भी मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता Redmi Note 12 Pro Plus का कोई सेंस बन रहा है। अगर आप Redmi के फैन हो तो Note 12 Pro के साथ जाओ, Note 12 के साथ जाओ, प्लस वाले का मेरे को एग्जैक्टली इतना कोई सेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा। बाकी आप मेरे को कमेंट्स में तो बता ही दोगे आपकी क्या राय है, आप Redmi के साइड पे हो या Realme की साइड पे हो या किसी और की साइड पे हो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई मेरा ऐसा मतलब ऑफेंस नहीं है किसी भी फोन के लिए, दोनों फोन अच्छे हैं, बट वही प्राइसिंग के थोड़ा सा घपला हो जाता है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। की स्मेलिंग एंड ऑलवेज चेक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।